डरने हिचकने और दबने का वो जमाना अब चला गया। अब भारत जो करता है बड़ा करता है, डंके की चोट पर करता है, पटेल की मूर्ति बनाता है तो सबसे ऊंची बनाता है, सौर ऊर्जा प्लांट लगाता है तो सबसे बड़ा लगाता है, टनल बनाता है तो सबसे ऊंचाई पर बनाता है, और मालगाड़ी चलाता है तो सबसे लंबी चलाता है। ऐसा ही एक नायाब कारनामा करने की तैयारी हो रही है चेनाब नदी पर, जहां भारत बना रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। कश्मीर घाटी को भारतीय रेल नेटवर्क के साथ जोड़ने का यह सपना दिसंबर 2021 तक साकार हो जाएगा। कटरा से बनिहाल के बीच रियासी में चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल तेजी से बनाया जा रहा है। पुल के तैयार होते ही ट्रेन सीधा कश्मीर जा सकेगी। इसी प्रोजेक्ट में विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण सलाल हाइड्रो पावर डैम के पास हो रहा है। पुल की लंबाई 1315 मीटर और ऊंचाई 359 मीटर, यानी ये पुल पेरिस के एफिल टॉवर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। ये पुल आर्क डिजाइन में बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और इंजीनियरिंग दोनों ही कमाल की हैं। आर्क की कुल लंबाई 467 मीटर है। कटरा की तरफ लगाए गए स्टील के एक खंबे की ऊंचाई तो 131 मीटर है, यानी कुतुब मीनार की ऊंचाई से लगभग दोगुनी। इस पुल में ऐसी मॉडर्न इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है कि ये 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी को भी सह सकता है। इस पुल की लाइफ होगी लगभग 120 साल। जब ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो दुनिया के लिए माइलस्टोन होगा और भारतीय रेल की बड़ी उपलब्धि। पहले हम दूसरे देशों में ऐसी इंजीनियरिंग देखने जाया करते थे, अब विदेश से लोग हमारे देश में आएंगे। ये बदलाव सिर्फ बदली हुई सोच का नतीजा है, जो नेशन फर्स्ट की प्रेरणा के साथ भारत को दुनिया में सबसे आगे ले जाने के लिए खुद को खपा रही है।